चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुभगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। परमाराध्य श्री गुरुदेव की असीम कृपा से आज इस स्थान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे प्यारे अमृत गुप्ता जी जब भी मिलते हैं वो जरूर बोलते हैं कि इधर चलो इधर चलो, लेकिन हमारे कार्यक्रम का व्यवस्था इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि हमें जो है और अलग से प्लान करने का बनता नहीं है। क्या करें, भगवान की ऐसी योजना है। इस बार फिर कल आके बोलने लगे कि थोड़ा सा चलो तो सही, कल हुआ तो प्रयास करूंगा। मैं और थोड़ा पहले आना चाहता था, लेकिन हमारे बालक रात को जम के उदम किया, लगभग 2 बजे तक तो कीर्तन करते रहे, डेढ़ दो बज गया था। अब उनको कीर्तन के लिए कैसे मना करें कि कीर्तन नहीं करना, फिर सोते सोते इन सबके 2:30 बज गया। इस कारण से आज का सुबह का सारा जो दैनिक कार्यक्रम है वो थोड़ा आगे आगे होता चला गया। जो हो, श्री विनोद बिहारी जी भगवान की कृपा से, गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा से आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों? क्योंकि हमें ये श्री विनोद बिहारी गौरिया मठ का स्थान, मठ का स्थान और उसमें भी एक ऐसे आचार्य के अंगद का स्थान है जो बहुत ही उच्चतम वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है, या प्राचीन वैष्णव है, आजकल बना भक्तनी है, परम पूज्यपाद भक्ति सर्वस्व त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। हमारे कलकत्ता मठ में हर साल इस समय में जाते हैं पुष्याभिषेक उत्सव में, अभी 6 तारीख को है, 6 जनवरी को। उसमें हमारे कलकत्ता मठ के वार्षिकोत्सव में पूज्य महाराज जी का आना जाना चलता है। हम श्री भारती गोस्वामी महाराज जी की सेवा में रहने से अधिकांश महाराज जी के साथ ही रहते थे, इस कारण से विशेष मिलन और वार्तालाप इत्यादि ज्यादा हुआ नहीं। गुरु जी के साथ उनका आदान प्रदान, श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ उनका आदान प्रदान विशेष रूप से होता है। ऐसे महान वैष्णव के अंगत में ये जो गौड़िया मठ का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे दूसरी जगह यही सामने, अच्छा यही पे विनोद बिहारी गौड़िया मठ जो बनने जा रहा है, जिसके अनुगत में आप सब एकत्रित होकर यहाँ आए हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मठ क्या होता है? मंदिर तो बहुत सारे हैं,
तो मठ का और उसमें ऐसी क्या विशेषता है? हमारे आचार्य कहते मठ मतलब क्या है, मठ कौन सा स्थान है? ये परमार्थिक विद्या का स्थान है, ये परमार्थिक विद्या का मंदिर है मठ। और इसीलिए यहां पर भी छात्र रहते हैं। मठंति ही वसंत छात्र परमार्थ साधने, अपनी परमार्थ की साधना को केंद्र करते हुए अपने परमार्थिक उन्नति के लिए एकत्रित हुए जितने भी व्यक्ति हैं छात्र, उनका स्थान को मठ बोल के संबोधन किया। इसलिए मठ साधारण स्थान नहीं होता, मठ आत्म जागृति का स्थान है, आत्म जागरण का स्थान, मन की कामनाओं को पूर्ति करने का स्थान नहीं, ये बुद्धि का स्थान नहीं है, अहंकार का स्थान नहीं है, अथवा ये स्थूल शरीर को प्राप्त करने वाले सुख सुविधाओं का स्थान नहीं है। जैसे मंदिर में लोग जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हे नाथ ये दे दो वो दे दो, मेरा काम बना दो वो कर दो, मठ वो स्थान नहीं है, ये परमार्थ साधन का स्थान है। यह आने वाला व्यक्ति का आत्म जागरण होता है। ऐसा नित्य वस्तु जो कि अनादि काल से नित्य तत्व से विमुख होकर के भटका हुआ वस्तु, उस वस्तु का अज्ञान रूपी मोह रूपी आवरण का छेदन मठ में होता है। ऐसा अपने स्वरूप संबंधी जो ब्रह्म है जीव का, उसका छेदन मठ में होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मठ। हमारे जीवन में अनर्थ होते हैं, चार तरह के अनर्थ, स्वरूप संबंधी ब्रह्म मूल अनर्थ है। ऐसा जब स्वरूप से संबंधित ब्रह्म होगा, हमारे हृदय में असत के प्रति तृष्णा जागृत हो उठेगा, तो असत तृष्णा। स्वरूप से संबंधी ब्रह्म मतलब क्या है? होता कुछ है, समझता कुछ है, होता कुछ है, उनको लगता कुछ और है, ऐसे वो ब्रह्म है। मूल वस्तु का रूप ये है, लेकिन हम उसको अन्य रूप से देख रहे हैं। ऐसा मूल वस्तु क्या है? वो व्यक्ति जिसके रहने से हम है, मतलब शरीर नहीं, जो कि निरंतर बदलता रहता है समय के साथ, छह प्रकार के विकारों के द्वारा गुजरता हुआ मृत्यु को प्राप्त करने वाला ये देह, उसकी बात नहीं हो रहा, बदलने वाला मन की बात नहीं हो रहा, बुद्धि की बात नहीं हो रहा, अहंकार की बात नहीं हो रहा, स्थूल सूक्ष्म से परे ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह को चलाने वाला जो व्यक्ति, जिसको मैं कहते हैं मतलब आत्मा, उसके विषय में जो भ्रम है वो बहुत बड़ा अनर्थ है। जैसे पिंजरे में कैद पंछी की तरह, यद्यपि पिंजरे से उसका कोई संबंध नहीं है, पिंजरे से पक्षी का कोई संबंध नहीं, वो पिंजरे का हिस्सा भी नहीं, उसके अंदर कैद है, लेकिन कोई पिंजरे के ऊपर मारता है, अंदर बैठा हुआ पंछी डर जाता है। क्यों?
इस समय उसने अपने आप को वो आवरण के साथ में पहचान बना ली। ऐसा गाड़ी में बैठा हुआ आदमी जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी ढट करके लगता है, वो ऐसा होता है जैसे उसी को लगा हुआ होता है। बैठे हुए को भी ऐसा लगता है, चलाने वाले को तो छोड़। क्यों? कहीं ना कहीं उसने अपना आप को गाड़ी के साथ में जोड़ के रखा हुआ है। लग उसको रहा है, फील इसको हो रहा है। आत्मा इसी प्रकार से देह, स्थूल और सूक्ष्म देह के आवरणों को अपने ऊपर लेके रखा हुआ है। वास्तविकता में जैसे भगवान और भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है और नित्य मुक्त है, ऐसे ही आत्मा भी शुद्ध और मुक्त है, क्योंकि आत्मा तो गोविंद का अंश है। हमारी मांस जीवलोक है, भगवान का ही शक्ति का अंश है जीव, इसीलिए भगवत गुणों से सुसंपन्न है। लेकिन भगवान पूर्ण ब्रह्म है, उनके पूर्ण गुण है, अनंत गुण है, जीव के अंदर अल्प गुण है, आंशिक रूप से गुण है। ऐसा वो आंशिक गुण भी इस संसार के आगे बहुत बृहद है। जब व्यक्ति इस संसार के सत्य को जान जाता है, ऐसा उसके लिए फिर ये संसार मिट्टी की धरे की तरह दिखलाई पड़ता है। जब उसका वास्तविक अपना निज स्वरूप क्या है उसका जागरण हो गया हो, लेकिन वही जब स्वरूप का जागृति नहीं हुआ तो वो ये नश्वर स्थूल देह को ही मैं जानकर सूक्ष्म शरीर के साथ में वही पर रहकर भ्रमित रहता है। कभी नहीं मरेगा, लेकिन सोचता है कि मैं मरने वाला हूं। ऐसा ये भ्रम इतना भयंकर है, बहुत भयंकर, वो धीरे धीरे व्यक्ति को मोहग्रस्त बना देता है, अतः अंधकार में डाल देता है, अतः अंधकार में डाल देता है। तो इसलिए बोलते स्वरूप भ्रम का जो परिणाम क्या होता है, क्योंकि वो असल वस्तु को मैं समझ बैठा है तो उसका आकर्षण भी जो है असत की तरफ ही रहता है। उसकी तृष्णा, उसका पिपासा, उसका चाहत, उसका मांग असत की तरफ रहता है। अब सब वस्तु को जब आप असत वस्तु प्रदान करते हो, वो कैसे सुख से रह सकता है? रह सकता है? आपको खाना है, जो भी है, भूख लगा है, दाल सब्जी वगैरह जो भी आपने खाना है, लेकिन सब वैष्णव है इसलिए प्याज लहसुन मांस आदि ये सब नहीं खाते। बजी दे। तो इसलिए अगर कोई आपको वहां पर प्याज लहसुन का बना हुआ चीज ला के देगा तो क्या अवस्था होता? खाना तो दूर की बात है, उसके गंध से ही हम लोग विचलित होने लगे। ऐसा इसी प्रकार से आत्मा का जो मांग है कुछ और है, लेकिन वह अपने निज स्वरूप से भ्रमित होने के कारण असद वस्तुओं की कामना करने लगती है। और जैसे जैसे असद वस्तु जीवन में आते हैं, उनको भोग करते हुए भी शांति की अनुभूति होता नहीं है, सुख का अनुभूति होता नहीं। मन के आत्मा कहता कि कुछ और चाहिए, और प्रयास कर, कुछ और चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वास्तविक स्वरूप यह है, इसलिए उसकी पिपासा
इन असल वस्तुओं से कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। उसी के परिणाम से हृदय दुर्बल होने लगता है, कमजोरी आ जाता है। ऐसा ये सब इफेक्ट्स है। आखिरी में अपराध करने लगता है, तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। क्या करता है उसी को समझ नहीं आता। इस अवस्था से एक व्यक्ति को बचाने के, उसको ऊपर उठाने के लिए ये मठों का निर्माण किया जाता है। ऐसा इसीलिए आप जो भी यहाँ आते हैं, मठ को कभी साधारण स्थान ना समझे। मठ गोलोक धाम से अभिन्न होता है, क्योंकि वहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण नित्य विराजते। जिस स्थान में शुद्ध भक्तों के द्वारा प्रतिष्ठित श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा निरंतर चलता हो, वो स्थान कभी भी इस जगत का हिस्सा नहीं हो सकता है। वो स्थान गोलोक से अभिन्न है। वहां शिक्षा क्या प्राप्त हो रहा है? वहां शिक्षा क्या प्राप्त हो रहा है? यही शिक्षा प्राप्त हो रहा है, आत्म जागरण की शिक्षा, कि भगवान नित्य है। बोलते हमारा चर नितायर चरण सब तहार सेवक नित्य। भगवान नित्य है, उनके सेवक नित्य है। इसीलिए भगवान को प्रकट करके आचार्य उनकी सेवा में हमें नियुक्त करके हमारा स्वरूप जागृत हो और हम अपने नित्य स्वरूप में गोविंद की चरण में जाकर उनकी सेवा में समर्पित हो सके, ऐसा हम पे अनुग्रहित करने वाला स्थान मठ है। ऐसा मठ वो स्थान है जहां पर आने से व्यक्ति का भगवान के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा मतलब क्या है? भगवत सेवा ही, भगवान के श्री चरणों में आश्रय ग्रहण करना ही मेरे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, बोल के अनुभव होने लगता है। मालूम है जैसे मंदिर में जाने पर जाते हैं, पूजा करते हैं, वापस आ जाते हैं, तो वो लोग सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को किसी और मंदिर में, गुरुवार को साई बाबा मंदिर में, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को शनि के मंदिर में घूमते रहेंगे। उसको कोई लेना देना नहीं। वो परम ज्ञानी बन के भाषण देता है कि सब एक ही है ऐसे, और उसको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूं। लेकिन हमारे आचार्य इस प्रकार से मठों को स्थापना करके वहां आए हुए व्यक्ति को भटकने नहीं देते, उसको शिक्षा देते हैं श्रद्धा का। क्या हमारा श्रद्धा नहीं है? नहीं है। श्रद्धा होता है जिसके अंदर वो भटकता नहीं है। श्रद्धा क्या है? वो बोलते भगवत सेवा करने से
सब कुछ संपन्न हो जाता है, मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास वो श्रद्धा है। वो कहाँ मिलता है? बल्कि मठ में मिलता है। बहुत कुछ मिलता है मठ होने से, ऐसा समझ में आवत है। मठ होने से बहुत कुछ मिलता है, श्रद्धा, फिर साधु संग। साधु संग की कितनी अद्भुत महिमा है। लंकिनी हनुमान जी का कृपा जब प्राप्त किया, लंकिनी खुद बोल रही है ये बात, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख, एक तुला के तराजू के एक तरफ रख दो, लवमात्र साधु संग का भी बराबर नहीं हो सकता। ऐसा साधु संग की बड़ी अद्भुत महिमा है। साधु संग सर्व शास्त्र पाए, तमाम शास्त्र मुक्त कंठ से चीख चीख के बोल रहे हैं साधु संग के बारे। लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि पाए, सर्व मतलब भगवान। ऐसा भगवान का एक नाम है सर्व सिद्धि, मतलब कृष्ण सिद्धि, प्रेम सिद्धि, पूर्ण सिद्धि, सब कुछ लाभ हो जाता है लेश मात्र साधु संग करने से। वो साधु संग कहाँ मिलता है? मठ में मिलता है। ऐसा क्यों? और कहीं साधु नहीं है? नहीं है। महाराज ऐसे कैसे बोल सकते? जिसके अंदर भगवान के प्रति एकांतिक निष्ठा नहीं है, जो खिचड़ी है, वहां साधु कहने लायक कोई व्यक्ति होता ही नहीं। सद वस्तु भगवान के प्रति एकांतिक समर्पण जिसका है, वही साधु हो सकता है। मैं नहीं कह रहा ये बात, भगवान स्वयं बोल रहे। साधु के लक्षण जब पूछा गया, स्वयं भगवान कपिल माँ देवहूति को बोल रहे, मैं अनंत भावेन भक्ति पूर्वती दृढ़, अनन्य भाव से मेरे भक्ति में जो व्यक्ति लगा हुआ रहता है, मतलब खिचड़ी में, वो तो वही साधु है। न अन्य उसके जीवन में और कोई नहीं है, किसी और के लिए स्थान नहीं है, वो साधु है। वो कहाँ मिलेगा? मठ में मिलेगा। इसलिए मठ का केंद्र क्या है? मठ का केंद्र श्री राधा कृष्ण है। इसीलिए मठ में रहने वाले वो साधु, वो भक्त, उसकी आराध्य, उसके परम सेव्य श्री राधा कृष्ण के अतिरिक्त और तो कोई है ही नहीं। ऐसे साधु का जब स्थान हमें मिलता है, तब हमारा जीवन धन्य होता है। इसलिए आप समझ जाना, इधर मठ बन रहा है, मतलब है यहाँ रहने वाले जितने भी व्यक्ति आने वाले वो भाग्यशाली होंगे। ऐसा और क्या मिलता है? भजन करने की प्रणाली, मनोधर्म के हिसाब से भजन नहीं होता। मेरे मन में इसे भाव आता है, तेरे भाव से आचार दम है, किस काम का है? तुमको कैसे अच्छा लगता है, वो सेवा का पद्धति नहीं है। गोविंद को कैसे अच्छा लगता है, उसका पालन करना वास्तविकता में सेवा पद्धति है। वो हम लोगों को प्राप्त होता है मठ में। भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान की अनन्य आराधना करने वाले भगवत प्रेमी भक्तों के द्वारा प्रदत्त विधि भजन क्रिया कहते हैं, भजन प्रणाली कहते हैं। वो बोलेंगे ऐसे करोगे भगवान का कृपा तुम्हें मिलेगा, ऐसे ऐसे चलोगे भगवान का कृपा का तुम पात्र बनोगे। ऐसा
ये चीज हमें समझना होगा। हमारा बचपन का बात है, एक मंदिर में मैं गया। बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत वैदिक ब्राह्मण होते हैं दक्षिण में। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह करके काट दिया ना, बड़े ही वैदिक विधि से वो जो तंत्र क्रिया सारे मुद्राएं आसन ये वो सारा बहुत बढ़िया करते हैं। मंत्रोच्चारण बहुत स्पष्ट होता है, सब बहुत बढ़िया। सब करने के बाद एक ब्राह्मण मुझसे कहता है कि देखिए पुरोहित है, इसीलिए पौरोहित्य कर्म करना हमारा धर्म। लेकिन सोचिए भगवान कौन है जिसको ये बात का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। ऐसे पुरोहितों का किया हुआ पूजा किसके लिए फलीभूत होगा, किसके लिए लाभ देने वाला है? क्योंकि तुम पूजा तो कर रहे हो लेकिन तुम्हें ये विश्वास ही नहीं है कि जिसकी कर रहे हो वो भगवान है कि कोई और भगवान है। मठ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मठ के अंदर सेवा विधि आचार्य के द्वारा प्राप्त है। मठ का सेवा विधि आचार्य के द्वारा प्राप्त है, महापुरुषों के द्वारा प्राप्त है। इसीलिए वो एक अनन्य साधना की तरफ लेके जाता है जिसका पालन करने पर व्यक्ति भगवान का करीब जाते। इसके अतिरिक्त जिसके जीवन में भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं होता है उनका कृपा ही अपने आप में हमारी साधना की सिद्धि है। नारद गोस्वामी ऐसे परम संत हैं, उन्होंने अपने मुख से उनको कह दिया था रत्नाकर जी को कि आप मरा ही बोल, आप मरा बोल के उच्चारण करना, उसी को जाप करना। बताइए कौन सा शास्त्र में मरा जो शब्द है उससे मंगल होगा? भगवान का नाम तुम उल्टा सीधा जैसे भी घुमा के कर लो हो जाएगा। कर भाव की बात बताया, मूर्खे वदति विष्णाय धीर वदति विष्णवे उभयत् समं प्राप्यं भावग्राही जनार्द। भाव के बारे में जरूर बताया वहां पर, शब्द उच्चारण का नहीं भाव का गुरुत्वता के बारे में वहां पर बतलाया गया। यहां पर वो मरे हुए वस्तु को देख रहे हैं और बोल रहे मरा, और बोलते मरा ही जाप करना। गुरुदेव के कहने पे, नारद गोस्वामी के कहने पे मरा करते करते वो राम बन गया और भगवान राम जो है उनके ऊपर अनुग्रहित कर दिए। साधु कृपा भगवान की अनन्य आराधना करने वाले आत्म साक्षात्कार प्राप्त सिद्ध जो महापुरुष होते हैं वो लोगों के मुख से नाम जैसे भी निकले उसको श्रवण करके उसका पीछे चलने पर वो व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाता है। ऐसे प्राप्ति का स्थान मठ है। क्या चाहिए भैया मठ का? मठ निष्ठा का स्थान है, मठ रुचि का स्थान है, मठ प्रेम का स्थान है। जाओ मंदिर में कई जगह पे जाओ, प्रेम ही नहीं होता भगवान से, क्यों नहीं होता? उसका कारण है क्योंकि वहां पर ये शिक्षा परमार्थिक शिक्षा प्रेम की शिक्षा देने वाला कोई होता ही नहीं। लेकिन मठ में होते हैं, छात्र भी होते हैं, अध्यापक भी होते हैं।
और छात्र भी होते जो उनका आश्रय ग्रहण करके हरिनाम लेकर दीक्षा लेकर भजन करने वाले होते हैं, वो चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास कोई भी हो सकता। ऐसा ऐसे अद्भुत स्थान परमात्मा का केंद्र वही मठ है, इसलिए बहुत भाग्यशाली लोगों को मठ में आने का मौका मिलता है, ऐसा समझकर भजन करना। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को उनके गुरुदेव जगत गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा था कि कलकत्ता में नहीं रहना, वो कलकत्ता उल्टा गंगा रोड में ही रहते, बाग बाजार में रहते थे, पहले उल्टा गंगा में बाद में बाग बाजार में रहते थे ऐसा। और उन्होंने इस संसार को त्याग भी बाग बाजार में, तो क्या वो गुरु अवज्ञा किए? उनका दर्शन इस बात को दिखला रहा है। तो बोलते हम उन्होंने अपने मुख से कहा, गुरुजी ने कहा कलकत्ता नहीं रहना, हम तो कलकत्ता में कभी रहा ही नहीं है, तो कहाँ हुआ? तो बोलते राधा कृष्ण के चरण, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण अनन्य भाव से आराधित होते हैं, सेवित होते हैं, जहाँ पर निरंतर श्री राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन होता है, उनकी महिमा चर्चा होता है, गीता भागवत जी का चर्चा होता है, तो बता रहे वो स्थान इस जगत का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। जहाँ आप अभी इधर बैठे हैं, जहाँ श्री राधा विनोद बिहारी जी हैं, गौर नित्यानंद है, गुरु परंपरा है, भूल से भी ना चिंतन करे, ये स्थान ये नवी मुंबई का हिस्सा है, कौन सा जिला जो भी है उसका ये हिस्सा है, ऐसे सोचना नहीं ऐसा, क्योंकि भक्त का हृदय व्रज होता है और भक्त जहां प्रकट करता है व्रज को ही प्रकट करता है, क्योंकि राधा कृष्ण व्रज से बाहर कभी जाते ही नहीं। जहां राधा कृष्ण की उपासना है और वो भी गोपी भाव की उपासना, तो समझना वो स्थान ब्रज ही है। हमें क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हम उसी साधना का विधि मार्ग का पालन कर रहे हैं, इसी सेवा को करते 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 कब विधि मार्ग से राग मार्ग में हमारा भाव परिवर्तित होगा और उस समय हमें अनुभव होगा कि वास्तविकता में मैं कहां पे हूँ, गोपी जनों के अनुगत में रहकर श्री राधा विनोद बिहारी जी की, श्री राधा गोविंद देव जी की, श्री राधा मदन मोहन जी की सेवा में बैठा हुआ हूँ, ऐसा स्थान को मठ कहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।